अल्लाह, नूरुद्दीन जंगी की बीवी को बचाया है मैंने, और देखो तुम मुझे क्या खिला रही हो, घोटी हुई दाल, ना गोश्त है ना शोरबा। अल्लाह, भिखारियों को भी इससे अच्छा खाना मिलता है। महल के अंदर हर एक शख्स को एक जैसा खाना मिलता है खाने के लिए। शुक्र अदा करो अल्लाह का और खाओ इसे। चलो कम से कम ये नन्ही सी मुर्गी तो है खाने में। तुमने जो कुछ किया उस पे मुझे फखर है, काश तुम हमेशा ऐसे ही रहो। अल्लाह, वाह पगतुन वाह, मैं तो समझ रहा था गुस्सा करोगी मुझ पे, मलिक के खातून को जो बचा लिया मैंने। इस वजह से गुस्सा क्यों करूंगी? हरीफ है ना वो तुम्हारी। जब वो नहीं थी तो तुम ही तो थी यहाँ। वाह भाई वाह, वो एक दफा फिर तुम्हारे साथ आ गई। बेकार की बातें छोड़ो कराते। मैंने सलाउद्दीन के कबीला गांव में पनाह ली थी, दौलत का कैदी बन गया। अब खातून, क्या तुम एक दफा भी गई कबीला का? शर्मानी चाहिए तुम्हें। मैं कोई खामोश नहीं बैठी थी यहाँ, इल्बुके को भेज दिया मैंने वहाँ। इल्बुके और तुम में बहुत फर्क है खातून, तुम एक अजीम समझदार इस्मत खातून हो, कबीला का तुम्हें जाना चाहिए था, कुर्सी संभालती सरदार की। तो मैं कहता कबीले की कोई फिक्र नहीं है मुझे अब। सुल्तान की खातून हूँ मैं, यूं ही महल से निकल सकती हूँ क्या? बोलो। और कुतलू खातून हमेशा नजर रखती है मुझ पे वो। यानी वो एक रिवायती सास है। इस्मत खातून की एक सास भी है। जबरदस्त कहानी है इस्मत खातून और उसकी सास, इतने कबीलों के सरदार, इतनी बड़ी आका, नूरुद्दीन के साथ बैठकर उसके सास के ताने सुनती है। तलाक ले लो उससे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तलाक लो उससे, बोल दिया ना। भला यहाँ क्या है, एक तरफ सौकन, एक तरफ सास, और नूरुद्दीन संगी ये, हाँ, ये खाना देता है तुम्हें, भूखी मर जाओगे। चलो कबीला का वापस चलते हैं, अपने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। चलो चलो, खाना खाओ, रोना धोना बंद करो। ये खाना कौन सा खाना, कहाँ है? मैं ये खाऊं? इतना काफी है, मेरा वैसे भी पेट भर गया है, अब चलता हूँ। सलाहुद्दीन की कबीला गा से अपना सामान भी तो उठाना है मुझे। ठीक है, चलो रुखसत कराऊं तुम्हें, उठो आ जाओ। अल्लाह।